झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। हरियाणा के सहकारी चीनी मिलों को गन्ना देने वाले किसानों का बकाया भुगतान अब जल्द हो सकेगा। राज्य सरकार ने खरीदे गए गन्ने की रकम का बकाया भुगतान करने के लिए सहकारी चीनी मिलों को 265.35 करोड़ रुपए का असुरक्षित लोन दिया है। ये पैसा मिलों को दे दिया गया है ताकि बकाया निपटाने की प्रक्रिया तेज हो। हरियाणा के सहकारिता मंत्री ने बताया कि प्रदेश की सभी 10 सहकारी चीनी मिलों ने पेराई सीजन 2021-22 के दौरान 441.74 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की है। मंत्री ने बताया कि इस साल 9.41% चीनी की रिकवरी सही रही है। सूबे में 41.29 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। वहीं सहकारिता मंत्री ने कहा कि चीनी मिलों ने किसानों से सीजन के दौरान 1597.99 करोड़ मूल्य के गन्ने की खरीद की है। वहीं सहकारिता मंत्री ने बताया कि इससे पहले राज्य सरकार ने किसानों की बकाया गन्ना राशि का भुगतान करने के लिए 228.33 करोड़ रुपये की राशि का असुरक्षित ऋण प्रदान किया था। वहीं बता दें कि अब तक किसानों को भुगतान के लिए सहकारी चीनी मिलों को 493.64 करोड़ रुपए की रकम दी गई है। इसमें से 265.35 करोड़ की वित्तीय मदद के बाद सहकारी चीनी मिले किसानों की पेराई सीजन की वर्ष 2021-22 की समस्त राशि का भुगतान कर सकेंगी। अब बता दें साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा ऋण की फ्लोटेशन के लिए 1000 करोड़ रुपए की ब्लॉक गारंटी के निवेदनकरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस बैंक को हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत स्थापित किया गया था। ये सहकारी संस्था प्रदेश में कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किसानों की दीर्घकालिक ऋण निवेश उपलब्ध कराने में लगी है। इस तरह की क्रेडिट सीमा या ऋणों के लिए उन्हें नाबार्ड के ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। नाबार्ड सहकारी गारंटी पर यह सुविधा प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।